असलम क्या हाल चाल हैं सबके उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे और दूसरों को खुश रख रहे होंगे आज मेरे किचन में बन रही है आलू की टिक्की जो कि बहुत आसान और चटपट बनने वाली रेसिपी है इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है आलू आलू को मैंने बॉईल कर लिया और इसके अलावा हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है धरा मिर्च सूखा धनिया नमक लाल मिर्च चाट मसाला हल्दी सब्ब धनिया प्याज और सब्ब मिर्च फिर मैंने एक बोल लिया बोल में मैंने सारे आलू डाले हैं और इनको हाथों की मदद से अच्छे से इसको मैश किया मैश करने के बाद मैंने इनमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो कि हैं दरा मिर्च सूखा धनिया नमक लाल मिर्च चाट मसाला हल्दी सब्ज़ धनिया प्याज सब्ज़ मिर्च ये चीज़ें सब ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मैश किया ताकि कोई गुठली इसमें नज़र ना आए फिर मैंने हाथों की मदद से इसकी शेप बना दिया टिक्की की इसके बाद हम इसका बैटर रेडी करते हैं बैटर रेडी करने के बाद आ, के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है बेसन धरा मिर्च नमक हल्दी चाट मसाला सबसे पहले मैंने एक बोल लिया बोल में मैंने बेसन डाला बेसन में थोड़ा पानी ऐड किया पानी ऐड करने के बाद उसको बीटर की मदद मतलब से उसको मैश किया फिर उसमें धरा मिर्च नमक हल्दी चाट मसाला ऐड करके बैटर रेडी किया बैटर ना इतना थिक हो ना ही इतना पतला हो जो कि टिक्की को आसानी से लग जाए फिर मैंने एक फ्राई पैन लिया फ्राई पैन में मैं डीप फ्राई इसको करना है डीप फ्राई करने के लिए इसमें ऑयल ज़्यादा सा ऐड करें जब वो सही गर्म हो जाए फिर बैटर्स के साथ वो टिक्की को लगा के इसको फ्राई करें और बहुत ही यमियस्ट बनेगी इन उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी आप मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अल्लाह हाफिज़